नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला के बीएफ से मेरे यूट्यूब चैनल मशीन वाला में स्वागत है। आज मैं दिखाता हूँ कि मशीन वाला कैसे आपको बेहतरीन इंजन या बेहतरीन जनरेटर आपको सप्लाई करता है। देखिए कितनी अच्छी है, एक साथ में हम कम से कम 20-25 इंजन तैयार करते हैं। जैसे ये बॉडी पड़ी है और ये बनाने वाले हमारे खास इंजीनियर बहुत ही अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर है, नफीस अहमद जी, बहुत ही अच्छे हैं आप सर। ये हमारे जो YouTube के ग्राहक हैं, वो हमारे जो देख रहे हैं, कस्टमर देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको इसके बारे में बताइए कि क्या क्या सामान लगाते हैं। जैसे हम ये ऊषा का देखिए, ये कहिए सर, ये ऊषा का हम पिस्टन लगाते हैं और इसके ये पंप सेट माइको का लगाते हैं। बाकी सारा सामान आपको दिखाई दे रहा है, ये पंप सेट जैसे माइको का बॉस का ओरिजिन लगाते हैं, ये देखिए। हाँ, ये देखिए सारा सामान पड़ा हुआ है एक लाइन से। और ये मैं इंजन बनता हुआ दिखाऊंगा कैसे इसकी सर्विस करते हैं, कैसे इसके ऑयल चेंज करते हैं। ये हमारे नफीस जी जो हैं, ये हमारे इंजीनियर हैं, ये आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आप खुद इंजन का तेल चेंज कर सकते हैं और कैसे उसे रिपेयर कर सकते हैं। ये टोटली ये सही करके आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे लास्ट तक आपको ये दिखाएंगे कि एक इंजन कैसे तैयार होता है। पा रहे हैं कि इंजन के सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, एक एक करके भी देखिए। ये पिस्टन्स दिखा रहा हूँ मैं, जैसे इसका इसके अंदर ना पिस्टन्स लगते हैं इंजन में, लाइनर पिस्टन, जिसको हम उसकी वो धड़कन कहते हैं जिससे ये पंप करता है ये चारों तरफ। ये इसका लाइनर है, ये इसका माइको है, पंप है जो इसको तेल प्रेस वो पंप करता है, जो इसका ऑयल पंप करता है, और वो उसका नोजिल है जो कि बॉश का ओरिजिनल लगाते हैं। एक एक चीज़ में खोल के देता हूँ। ये इंजन बनना स्टार्ट हो गया। ये नफीस अहमद मैकेनिक बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सपीरियंसेस कारीगर हैं, ये मैकेनिक है, बहुत ही अच्छे, बड़े बड़े जनरेटर भी बनाते थे, छोटे भी बनाते थे, सारे बना देते हैं। तो ये देखिए एक एक करके कैसे ये सारा वर्क हो रहा है, ये कैसे इंजन तैयार होता है। आप लाइव देख सकते हैं कि ये इंजन कैसे तैयार होता है। तो लाइव मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे इंजन तैयार होता है। इससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि इंजन में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं और ये किस तरह इंजन बनता है, कितने सारे इसमें नट बोल्ट होते हैं, कितने सारे ये काम करने पड़ते हैं। ये देखिए जैसे ये चेक कर रहे हैं कि इसके ये प्ले तो नहीं है उसके अंदर, अभी इसकी ये गरारी निकाल रहे हैं जो इसमें गियर लगता है। गियर तो हम सभी मशीनों में भी लगता है, इंजन में भी गियर लगता है और ज़िंदगी भी ये गियर है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। बस हमें सावधानी से और एकदम हिम्मत से चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब इसके अंदर गियर में एक कैम शाफ्ट होती है, वो कैम शाफ्ट निकाल रहे हैं और ये ना इसी से क्या होता है, ये आग लगती है उसके अंदर साइलेंसर में, तो ये क्या हेड में, तो उससे ये इंजन चलता है। ये उसका ये है बुश एक, ये बुश उसमें लगेगा कैम शाफ्ट में जो इसे ये खोल रहे हैं। ये अभी ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर इसके अंदर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये दोनों तरफ से देख रहे हैं किधर से आएगा, ये उधर से नहीं आया तो इधर से लगा के देख लिया, ये प्रॉपर बैठ रहा है एकदम बेहतरीन। ये घुमा के चेक कर लिया ये, और इसके अंदर भी ये देख रहे हैं कि ये फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। ये बहुत अच्छा ही साइज है, सब ओरिजिनल और जेन्युइन सामान है। ये इनकी टीम है नफीस जी की, ये पूरी टीम मिलके ये इंजन को बना रहे हैं जल्दी जल्दी। और ये हम मशीनों में सारा यही मशीन वाला का इंजन खुद अपने पास अपनी कंपनी में तैयार करवाते हैं और सब ओरिजिनल सामान लगवाते हैं जिससे कि एकदम आपके पास बेहतरीन और अच्छा मटेरियल जा सके। इससे क्या है, आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा हमारे ऊपर। ये देखिए कैसे चेक नट करके एकदम ओरिजिनल नट बोल्ट्स लगते हैं ये सारे, और एक एक एकदम चुन चुन के बेहतरीन परख परख के सारे काम करते हैं ये। ये देखिए अब इंजन देखिए, कम से कम 85% इंजन हो गया है एकदम, आप देख सकते हैं इसके ये सब कवर वगैरह लग गए हैं, जो जो पार्ट्स है ये फटाफट बहुत ही एकदम सावधानी से और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को चेक करके काम कर रहे हैं। बहुत ही कुशल कारीगर हैं ये लोग, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। ये देखिए अब ये इसके अंदर ये नोजिल के पास एक वो लगता है, ये हीट होने से नोजिल को रोकता है और ठंडा भी करता रहता है, इसे ये लगा रहे हैं। ये इसका कवर है, सब चेक कर करके ये एक एक चीज़ आप लाइव देखिए कि कैसे इंजन बनता है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये इंजन कैसे बनता है और ये एक एक चीज़ प्रॉपर दिखा रहे हैं, आप भी समझेंगे कि कितने सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। बहुत ही कुशल कारीगर हैं ये, आप देख पा रहे हैं।
तो सब कुछ एकदम बेहतरीन, एक एक पॉइंट चेक करके ये लोग मशीन इंजन को सही करते हैं। अब ये देखिए आपका इंजन ये एकदम बेहतरीन तरीके से साइलेंसर वगैरह लगने जा रहा है। अभी 95% इंजन ओके हो चुका है, बस 5% इसमें काम बाकी है। तो अब इसके अंदर 5% जो वर्क हो रहा है ये पेंटिंग हो रहा है। ये हमारे पेंटर हैं, बहुत ही अच्छा सावधानी से एकदम बारीकी से देखिए कैसे तराशे हुए पेंट कर रहे हैं एकदम, जिससे कि आपकी इंजन में शाइनिंग आए और बेहतरीन तरीके से मशीन वाला का इंजन एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। अब इसमें इंजन ये हो गया रेडी, अब ये एकदम 98% एकदम ओके हो गया है इंजन। इसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सर्विस करते हैं इसकी, कैसे क्या करते हैं। ये 98% ओके है इसको, ये 100% जब ओके मानता हूँ मैं इसको, जब तक ये मशीन में फिट होकर चालू ना हो जाए। तो ये अब मशीन में फिट होने के लिए देखिए लगने के लिए रेडी हो गया और ये स्टार्ट करा इंजीनियर ने, और ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मशीन चल रही है और इसको एकदम ये चलने के लिए लाइव तैयार है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं और ले जा सकते हैं कहीं भी जहाँ जहाँ आपका वर्क चल रहा हो। तो कैसा लगा आपको ये देखिए, अब आप एक इंजन के मैकेनिक बन चुके हैं। अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे आप इसे इसका ऑयल चेंज कर सकते हैं या कैसे इसका सर्विस कर सकते हैं, इन चीज़ों का सावधानी से ध्यान रखना। देखिए ये हांडी वांडी सब पलट के देख लिया इसमें, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इंजन की सर्विस करते हैं। जी हाँ, जिसका इंतजार था मेन पल आ गया। अब हम बताएंगे आपको कि इंजन की सर्विस कैसे करते हैं। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो बहुत वो सुबह से इंजन को बांध रहे थे, तो अब ये इंजन रेडी हो गए हैं, सारे इंजन रेडी हो गए हैं और चले भी गए, लग भी गए। तो सर आप बताइए, ये इंजन की सर्विस करने के लिए हमें कार शुरुआत करनी है, आप दिखाइए कैसे इसको इंजन की सर्विस करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए। सबसे पहले हमें जो है इसका तेल निकालना पड़ता है। हाँ, तेल निकालने के लिए हमें ये वाला बोल्ट खोलना पड़ेगा। जैसे कि सर ये खोल रहे हैं बोल्ट, और यहाँ पे हमें ना एक वो अपने पास पहले से ऑलरेडी बोतल या किसी तरह का डिब्बा उब्बा रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये तेल इसमें से निकलने लग गया, और ये तेल पूरा ही निकालना है, पूरा खत्म हो जाने के बाद फिर उसके बाद हम नया तेल डालेंगे। अभी ये निकलने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या है। तेल निकल गया तो ये हम इसका ये क्या है बोल्ट बंद कर देंगे, ये तेल निकाल के ये बोल्ट बंद कर देंगे इसका, ये पूरा ही बंद कर देंगे और थोड़ा सा साफ कर लेंगे अंदर। उसके बाद ये तेल निकालने के बाद ये बंद करके ये ढक्कन खोलेंगे, ये वाला एक ये ढक्कन होते हैं ये सामने वाला, ये ढक्कन खोलेंगे चार, ये छह जो बोल्ट लगे हैं ये सारे इसके ढक्कन खोलेंगे इसको, और ये खोल के और ये निकाल के, ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। जैसे ये नया इंजन है तो ऑलरेडी नया तेल डला हुआ था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस होते हैं इसको करने के लिए। लगाओ तो ये ढक्कन निकाल लेंगे, और जैसे देख पा रहे हैं आप अंदर ये तेल कैसे इसके अंदर ऑलरेडी भरा है, ये तेल पूरा खाली हो जाना चाहिए और वो वहाँ से निकल जाएगा इधर की तरफ से, ये तेल जहाँ मैं आपको हाथों से इशारा कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद इसका ये सारा तेल निकाल के ढक्कन को लगा देंगे, ये ढक्कन को हम वापस लगा देंगे, ये लग गया ढक्कन, और इसे ये सारे बोल्ट तुरंत के तुरंत सारे कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऊपर का ढक्कन खोलेंगे, और मैं बताता हूँ तेल डलेगा कहाँ। तो ये ऊपर का ढक्कन खोलने के बाद हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात याद ध्यान रखना है तेल डालते समय, ये जो आप एक सुराग देख रहे हैं इसे बंद करना होता है। इसे यहाँ पे उंगली रख लिया जैसे सर ने, और अब ये मोबिल ऑयल डालना स्टार्ट करा। देखिए ये तेल ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है, ये वहाँ बॉडी में सारा तेल जा रहा है और इसका तेल सारा नीचे जा रहा है यहाँ से डालने पे। ये ध्यान स्पेशल रखना है कि ये बंद रहे ढक्कन, ये यहाँ पे ये सुराग बंद रहे, नहीं इसके अंदर तेल जाने के बाद क्या होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा और बहुत देर बाद फिर उसकी मोबिल ऑयल निकालने के बाद स्टार्ट होता है। निकालने के बाद हम ऊपर का ढक्कन ये बंद कर देंगे और इसे ये लॉक कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्विस हो गया इंजन का, सर्विस करने के बाद और कैसे ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद जब वो स्टार्ट होगा ना, वो हमें बोलते हैं एक दो दिन पहले आएगा। अब ये तेल हमने डाल दिया, तेल डालने के बाद हमें क्या करना है, ये गेज है ऑयल गेज, ये ऑयल गेज को हम निकाल के देखेंगे। अगर ये चूड़ी ये कसी हुई हो पूरी, तो इसका तेल का जो निशान है इसमें दो जगह निशान से दिख रहे हैं देखिए, तो चूड़ी पूरी कसी हो तो यहाँ तक ऑयल होना चाहिए, और चूड़ी पूरी नहीं कसी हो तो यहाँ तक होनी चाहिए। ये हम अभी दिखा रहे हैं, ये चूड़ी कसी नहीं है तो देखो कितना तेल दिखा रहा है इसके अंदर, ये निकाला। अब ये देखिए आप, चूड़ी नहीं कसी है
तो यहाँ तक तेल दिखा रहा है, एकदम बेहतरीन दिखा रहा है, यानी इसमें इससे आपको पता चलेगा कि तेल पूरा है, प्रॉपर है। और इसे हम कस के अब स्टार्ट करके देखते हैं कैसे। तो ये चालू करके और बंद करके भी दिखा दिया। तो आप इस तरह से इंजन की सर्विस कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा ये हमारा ये सर्विस करने का तरीका, और कैसा लगा हमारे ये सर नफीस जी का काम, तो आप लोग स्पेशली कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपको और नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।